एंड रवीना टंडन एड्स इन जर्मन लेक्स में बिग्राउंड फॉर ब्लॉस फ का स्वागत है और एक सवाल जो सबके मन में है देखिए बहुत सारी कहानियां गढ़ दी गई हैं क्या सच्चाई है क्या नहीं है मैं चाहूंगा कि आप में से कोई बता दे कि क्या सच है और क्या झूठ है सर गुंजन एक बड़ा अच्छा शेर है कि कोई कहे कहे ना कहे ये और बात है वरना सन्नाटे भी आवाज किया करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको शब्दों से उतना अच्छा नहीं समझाया जा सकता जितना दृश्य से समझाया जा सकता है तो बेहतर है कि पहले हम देख लें उसके बाद हम कहने के लिए तैयार हो जाएंगे चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया कितनी कमाल और कितनी सरलता से आपने बात की हम कैनो रिक्वेस्ट टू प्लीज़ प्रोसीड फॉरवर्ड टेक योर सीट्स एंड जैसा आशुतोष जी ने कहा कि पहले दिखा देते हैं फिर बात करेंगे Uh, the trailer of Aranyak is being released today. Aranyak has been truly our labor of love. It is very unfortunate. I consider myself very unfortunate that I couldn't make it in time for the trailer release. I'm shooting far away in London, so I'm not being able to be there, present physically. But working on Aranyak has been an absolute honor. The, the team that you see, uh, the one which has put Aranyak together, uh, such a lovely series together, is indeed a dream team to work with. It's been a pleasure working with Netflix. Uh, so, yeah, he is uh, wishing all of us the best uh, with the trailer release and also that of the series uh, when it starts once it starts streaming from the 10th of December. Uh, so, until the next time when I see you physically, uh, he is uh, wishing all of you um, a very warm welcome to the trailer release and wishing every single member of the Aranyak team, uh, including myself, uh, all the very best. See you, enjoy the evening, enjoy the trailer, enjoy Aranyak. Awesome. रोहन सिपी जिनेश शाह सर, आई एम रिक्वेस्ट प्लीज टेक सी, जिनेश शाह तान्या बामी रवीना टंडन आशुतोष राणा Meghna Malik, Zakir Hussain, Vinay Vaikul, and Charudat Acharya. First up, let's give them a big round of applause. What an exciting trailer! First up, I'm going to request you please Please be seated. 10 uh, एक, एक सवाल उत्पन्न हुआ है सर ये नेटफ्लिक्स वालों के साथ काम करके कैसा लगा सर मतलब कैसा लगा सर मतलब ये अच्छे, अच्छे लोग मतलब जस्ट क्यूरियस Just curious, sir. ये क्या है जैसे मैंने कहा होता है ना इतने सालों के बाद आप देखो लॉन्चेस हम लोग सब पहले मोहूर्त देखते थे मोहरत फिर प्रेमियर्स slowly slowly वो फेज हट गया धीरे धीरे यू you नो know, मैं एक्चुअली मैं उधर बैठी थी एंड जब ये सब चल रहा था ना एंड सब के फोटोज आ रहे थे और ये सब आई वॉज गेटिंग ओवरवेलम्ड एंड थैंक यू फॉर सच अफुल थैंक यू इट वॉज़ एक्चुअली आई आई फेल्ट ऑनर्ड टू बी असोसिएटेड विद दिस टीम एवरीबाडी एवरीबॉडी हेयर ऑन द मंच एंड एवरीबॉडी देयर इन लंडन ऑल्सो जो हमारा एक पार्ट हमारा एक दोस्त लंडन में बैठा है and everybody out here एंड एवरीबडी आउट रियली आई एम ऑनर्ड टू नाइट टू बी seriously thank you so much तो ये वो बड़ा केस आपको फाइनली मिल गया आशुतोष जी आप क्या कहेंगे सर uh, मैं रवीना जी से ये कहना चाहूंगा कि रवीना जी पुलिस की नौकरी और एक्टिंग दोनों एक जैसे ही होते हैं एक्टर को और पुलिस वालों को हरदम तैयार रहने रहना पड़ता है पता नहीं कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके सामने छोटी बड़ी आ जाए क्योंकि अपॉर्चुनिटी कभी छोटी बड़ी नहीं होती उसके परिणाम छोटे बड़े होते हैं तो आप तैयार रहीं और जैसा कि मैंने देखा कि इतना अद्भुत प्रेजेंटेशन जो नेटफ्लिक्स ने किया है कि हम लोगों ने सीरीज़ में काम किया है लेकिन हम खुद अचंभित थे और हमें लगा कि नहीं ये किसी और सीरीज़ के लिए हम एक <laughs> प्रजेंटेशन देख रहे हैं और काश हम इस सीरीज़ का हिस्सा होते तो जो नेटफ्लिक्स और नेटफ्लिक्स के साथ इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाली टीम को हम बहुत धन्यवाद देते हैं साथ में ये ऐसा लगा कि बड़े अमीरों अमीर लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं हम तो शूटिंग के लिए बाहर जाते हैं लेकिन यहाँ पे तो आप मतलब ट्रेलर लॉन्च और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इतनी खूबसूरत जगह पे आप हमें लेके आ गए हैं तो ये अच्छे हम लोगों के अच्छे समय की दस्तक है के जब अमीर लोगों का साथ हमें मिलता है और सर आपको क्या लग रहा है मैंने इतनी पॉकेट्स क्यों रखी हुई हैं <laughs> बिल्कुल <laughs> इतना, इतना पैसा दे रखा है जगह नहीं थी सर इकट्ठी करने के लिए मेरे पास uh, मेघना जी आप क्या कहेंगी कैसा रहा तजुर्बा आपका भी यहाँ पर नहीं जैसा आशुतोष जी कह रहे थे कि मैं भी जब देख रही थी और यू नो गाड़ी गुजर रही है और एक और ही अरण्य जो एक तो हम अरण्य में थे और यहाँ एक और अरण्य क्रिएट हो गया और हमें यहाँ लाया गया है आप सब लोग आज आरण्यक हैं <laughs> uh, तो बहुत यू नो आई वाज रीलिविंग द मोमेंट्स ऑफ द शूटिंग और वहाँ इतना खूबसूरत था और आज ये फिर से एक खूबसूरत माहौल जो बना है uh, तो बहुत uh, uh, बहुत खुशी हो रही है बहुत अच्छा लग रहा है और लिटरली जैसे आशुतोष कह रहे थे कि मैं भी ऐसे सोच रही थी कि मैं इसमें हूँ क्या hmm. मुझे शक हो रहा था फिर <laughs> 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 मैंने देखा कि हाँ हूँ मैं सो इट्स रियली आई मीन एंड खाली इतनी खूबसूरत टीम थी uh, इतनी खूबसूरत uh, जो किरदार लिखे चारों ने और विनय जी वहाँ uh, मतलब मैं जब शूटिंग कर रही थी तो मेरे uh, पीछे एक और आँख डिवेलप हो गई थी यू नो ऐसा लगता था अभी मैंने बोल दिया है और अभी ना विनय जी दिखाई दे रहे हैं पीछे आ रहे हैं और वो साथ वाले को एक्टर को भी नहीं सुनाई देता था क्या बोला तो वो इतना फैमिली यू नो आई इन फार इन टू दो माउंटेंस Everything was beautiful. So, thank you so much, Netflix. Thank you, Rohan. My first project uh, in Bombay was with Rohan. <laughs> uh, we did the film together, uh, his debut film. Yes. <laughs> and uh, thank you so much. It, it, it was lovely. The whole experience and today, and with such a brilliant cast, I really feel I'm very lucky. Thank you. और मैं देख रहा हूँ जाकिर जी इतना बड़ा बवाल मचा के बहुत शांत बैठे हैं बवाल मचाने वाले हमेशा शांति रहते हैं <laughs> वो कौन सा बवाल थोड़ी करते फिरते हैं बट हाँ ये ज़रूर है कि इस सीरीज का हिस्सा बनना एक बड़ी किस्मत की बात है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने जो मैं सोच रहा था कि इतनी दूर आने की क्या जरूरत है वहीं जो है क्या नाम है ना न मैं तो वो कुछ स्पोर्ट्स sports... क्लब में रहा था कि वही कर लेते इतना खर्च पर ये जो देखा अभी वो नहीं हो सकता था कहीं भी और वो फील जो है अरण्य का तो वो बहुत ही अच्छा मतलब जस्टिफाई होता है कि आपने इतनी मेहनत और इतनी चीज़ें सोची और की जो कि ट्रेलर से पहले जो आपने प्री ट्रेलर बना के दिखाया है जो डराया है बड़ा अच्छा बहुत खूबसूरत है तो बाकी बारह तारीख को क्या हुआ था होटल बॉम्ब में ये मुझे पता है वो मैं दस दिसंबर को बताऊंगा <laughs> बहुत, बहुत बहुत बधाई आप सबको और विनय कूल के साथ पहली बार काम किया मैंने लेकिन ये जो मेघना जी ने बात कही उसको मैं वो करता हूँ कि एक डिमांडिंग डायरेक्टर है आपने कुछ कर दिया तो उनको नहीं थोड़ा सा और थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और ही पुस्ट यू लाइक नॉट इन द रिहर्सल शॉर्ट में शॉर्ट के बाद शॉर्ट के बाद तो आपको भी फील होता है कि हाँ कि कुछ तो हमने मेहनत सी की है तो उसमें हालांकि आने जाने में बहुत मेहनत लगी दिल्ली से मनाली आठ घंटे फिर वहाँ से वापस तो सर दिल्ली से सिरोना, सिरोना हाँ, सिरोना मनाली थोड़ी गए थे हम सिरोना हाँ, तो वो बहुत मेहनत की हमने बाकी एक्टिंग वैक्टिंग तो करवा ली इन्होंने बाकी आने जाने में हमारी बहुत मेहनत लगी रोहन के साथ हमारा ताल्लुक़ जैसे इन्होंने कहा कि पहली फिल्म बहुत पुराना है जब बम्बई में पहला कदम रखा था तब से ही और आशुतोष जी तो हमारे मित्र हैं ही रवीना जी के साथ पहली बार काम किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सबके साथ मेघना जी भी बड़ी कमाल की एक्ट्रेस हैं और खूबसूरत भी लग रही हैं आज काफ़ी तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा ये इवेंट है मेरे हिसाब से जो मैं इसका हिस्सा हूँ दिखाई कोई दे नहीं रहा मुझे लगता है मैं लाइटों से बातें कर रहा हूँ तो सर वो भी एक कारण है आपने अभी जो बात की कि हम ये मुंबई में भी कर सकते थे hmm. यहाँ क्यों लेके आए करेक्ट इसका जो सही जवाब है वो सुबह इनको खुद अपने आप मिल जाएगा ऐसा क्या ये जितने आए थे

थोड़ा मुझे मालूम है बड़ा थ्रिलिंग माहौल है बट मैं आपकी ऐसा कोई है नहीं जो आपकी एक्टिंग का या आपकी पर्सनालिटी का फैन नहीं होगा और आप इस शो में भी बोल रहे हैं वो आएगा खून पिएगा ये कर देगा वो कर देगा तुझे उठा लेगा हाँ तुझे तो मतलब मैं तो आप ऐसे क्यों डराते हैं सर मतलब एक तो मैं वाकई में आदमी घबरा जाता है आप देखिए आप कितने शांत स्वभाव के कितने प्यारी मुस्कान वाले आई जेनुअनली वॉन्टेड टू नो ये बड़ा <clears throat> व्यक्तिगत सवाल आपने मुझसे पूछा है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप संसार में आ, विजेता की हैसियत से रहना चाहते हैं तो कभी अपने डर के बारे में आ, संसार को मत बताइए कि आपको किस चीज़ से डर लगता है लेकिन चूंकि आपने पूछा है और इतनी अच्छी बात है तो मैं आज आपको बता दूं कि मुझे सबसे अधिक डर स्वयं से लगता है क्योंकि मेरे अंदर जैसा आपने कहा कि बड़ी शांति है और बड़ी एक सज्जनता है लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है कि उतनी ही अशांति भी है और उतना ही मतलब सृजन की जितनी क्षमता है तो मुझे लगता है कभी कभी कि मेरे अंदर विध्वंस की भी उतनी ही क्षमता है तो मैं स्वयं से बहुत डरता हूँ और स्वयं के प्रति बहुत सतर्क रहता हूँ कि मेरी वो जो ऊर्जा है उसका सकारात्मक इस्तेमाल ही हो होता रहे और कभी भी वो उस दिशा में ना जाए और इसलिए वो जो वो आएगा की बात होती है कि वो आएगा वो खून पिएगा तो वो जो चीज़ है मैं अपने लिए जो सोचता हूँ तो मेरा वो जो है वो मेरे अंदर की महत्वाकांक्षा है कि वो आएगी और वही महत्वाकांक्षा है जो मेरा खून पिएगी और अगर कुछ लोग इसको समझ जाते हैं तो वो सतर्क हो जाते हैं चौकन्ने हो जाते हैं या कुछ लोग भयभीत भी हो जाते हैं करेक्ट दोनों थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट और जाकिर जी आप बोल रहे थे कि बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं तो इसका प्रमाण ले लेते हैं अब इस अंधेरे में से कहते हैं कि अपने अपने सवाल पूछिए तो आई एम क्यों नो ओपन द फोरम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स आई एम क्यों नो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ रेज योर हैंड अब हाथ तो दिखेगा नहीं तो मोबाइल की टॉर्च जला दीजिएगा वी गॉड ऑफ वॉलेंटियर्स नो पास ऑन द माइक्रोफोन्स टू यू तो दिख रहे वहाँ पे लोगों को उनकी दूरदृष्टि बहुत अच्छी चलिए I'm going to request you to please raise your hand, and uh, yeah, yeah. we're going to pass on the microphone to you. I, do you have a microphone? Yeah, yeah. I do. Uh, ji. hi Tanya, this is Durga from INS. Uh, what excites you about Aranyak, and what is Netflix's uh, strategy towards long-form storytelling? Hi, what excites me about Aranyak is everything on this stage. To begin with, uh, like I said, truly inspired by Ravina's character of Kasturi Dogra, uh, I think every woman uh, will find a note in that character that will resonate with each of us at work, at home, in various facets of our life. Uh, above and beyond that, it is uh, a beautifully written and very well created thriller that will keep you at the edge of your seat and. Um, we believe that stories should be propulsive, and this is definitely one hugely propulsive thriller. Um, our strategy, the second question, um, is actually exactly what uh, Aranyak tees off for us. So, starting with Aranyak, you will see a huge slate of extremely diverse series that will uh, come up, and I think there are some sneaks uh, for you. Um, like I mentioned, in December we have decoupled. Uh, the new year's full of like a whole uh, slew of very exciting and very diverse stories put together with amazing creative talent uh, that really sets us up for the year to come. Thank you very much. Uh, next question, please. Hi, Ravina, on your left. Uh, I'm too in the dark. All right. Uh, firstly, congratulations. You? It's an amazing trailer. So, you. hats off to all. Everyone on the on the stage. Uh, my question to you is: How much could you relate to your character of Kasturi? Um, <clears throat> honestly, like I said, uh, when I heard Kasturi, Dogra's character, um, I think it is a story and the entire persona and and, and the dilemma that she goes through. Uh, at every point in her life, because she's this fiercely independent, super talented, brainy, brawny cop, and uh, is is waiting for that opportunity uh, to excel in in her life. Uh, you know, uh, where she's surrounded by all her male counterparts, and yet the full uh, prioritizing of her life, her family life, her husband, her children, her in-laws, and the very fact that she wants to achieve in her career, which she passionately loves being a cop. She's always wanted to be a cop. And the way we women juggle. Our careers, our lives, our uh, emotional uh, uh, support that we get from home or we don't get from home, uh, our priorities that are our children, our in-laws, our family—is that is what completely attracted me to her character because I think a lot of women can identify with that, and especially all our women in uniform. It is so important to get that kind of emotional support backing because the job that they do being a cop is not only something that is physically taxing it is mentally taxing there's so much pressure on them to try and excel to try and you know uh, get across uh, get some clues get solve a case the media is after them people are after them and this is what her life is all about so it's something that i might not identify because i might be one of those few lucky ones who's had constant emotional support from her family whether it was my parents, my husband, my children, to go out there and achieve and do my best in my chosen career. But there are so many women out there, so many Kasturi Dogras, who are not lucky enough to get that kind of emotional support. And that is what makes this character so beautifully strong for me uh, against all odds next please Hi, uh, this is puja Talwar and my question is for rohan so how did the idea of aranyak i've got the title right originate uh, well all credit goes to uh, my friend charuda Acharya here uh, he came back from a fun holiday in himachal uh, where he encountered this uh, woman, a, a cop in a small town there, and he started talking about her. And uh, he said, "I just know there's a character here, and I just love." Uh, in addition to her being fascinating, Charu is one of the most wonderful storytellers I've collaborated with over the years. So I said, "I'd love you to develop this further." And we're both. Uh, Charu is, is, is writes wonderfully in general. He writes women characters very well. He writes crime very well. So. I thought it was something he would obviously enjoy, and uh, we both are fans of the genre as well. We've, we, you know, the last 10-15 years, we've been exposed to so many good shows like that. So that's really the genesis of it, and and we kept that conversation going, and he kept uh, working on it and kept uh, iterating, and we 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 quite soon uh, managed to. Uh, have a really nice emotion, uh, emotional arc, which uh, of course is driven by Kasturi's character, and I, I, I love the relationship that uh, she and Ashutosh's characters uh, share in the film. She's the daughter-in-law who's more like a son to him than his actual son. So, I mean, all these lovely little uh, layers and nuances all really made made the the show come to life for me, and uh, it's just amazing to. And as we built momentum, collaborated with Siddharth, who's not here with us today, and Vinay came on board, all the wonderful team, and of course, Netflix has helped us take it to another level. So, yeah, it's been, it's been a, a great journey against the odds like Kasturi Dogra, <laughs> but we've got through the Himalayas, and I, and I really hope, uh, I mean, it's been a, for Charu above everyone else, and for all of us, it's been an amazing labor of love. Um, so, really excited for you guys to watch it, and, and hope you enjoy it in a couple of weeks. Hi, uh, this is Bhavna from Bollywood Bubble. Uh, my question is for Zakir sir, actually, uh, sir. Uh, we saw the trailer. Firstly, a huge congratulation. The trailer looks amazing, uh, but we couldn't really understand a lot about your character because, of course, strategically, it has been kept uh, uh, a mystery for all of us, um, which we will, of course, know on December tenth. But still, if we had to know, what was the most exciting part for you? about the character for you to say yes because uh, we have always seen that you always pick up projects which are very different and unique in its own way hani uh, kuch kaam jo hote hain wo uh, अच्छे काम हैं इसलिए करने पड़ते हैं और कुछ होते हैं जो अच्छे लोग बुला रहे हैं इसलिए करने पड़ते हैं तो बड़ा पुराना रिश्ता है रोहन जी से तो वो इसमें पिक करने वाली बात नहीं थी वो उन्होंने मुझे पिक किया कि आप ये रोल करेंगे तो मैंने कहा जी ठीक है मैं कर लूँगा <laughs> तो उसमें कोई ख़ास ऐसा नहीं है कि भाई स्क्रिप्ट अच्छी है क्योंकि चारू को हम बीस इक्कीस साल से जानते हैं और इनके और भी काम लिखे हुए राइट फ्रॉम द बिगनिंग सैटरडे सस्पेंस हो या कुछ ऐसी स्टोरीज बहुत खूबसूरती से लिखते थे तो ये एक यकीन था कि लिखा तो अच्छा ही होगा और अगर इतनी बड़ी टीम जो है उसमें शामिल है रॉय कपूर फिल्म्स और रोहन सिप, रमेश सिप्पी एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स ने लिया है तो ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ हल्की चीज़ होगी तो उसमें क्या होता है कि आपको बिलीव कर लेना पड़ता है समटाइम बस हाँ आप अपनी थोड़ी सी उसमें क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एक अभिनेता के तौर पे कैसे कर सकते हैं उसको किस तरह से उसके लिए डायरेक्टर साहब हैं तो बहुत मेहनत हमने की इन्होंने करवाई भी और आपके सामने है तो मैं कुछ और ज़्यादा बताऊँगा नहीं क्योंकि दस तारीख के लिए भी कुछ छोड़ देते हैं हैं थैंक यू हाँ बिल्कुल नहीं था। इतना आसान नहीं था ये लोग जो बोल रहे कि बहुत

one thing that i personally felt as a viewer is that that level of hunger that is there in your performance at least from the promo that we can gauge so can we say that uh, this is the a fresh start in a way this is rabina tandon 2.0 sir i appreciate the question but uh, if you, we will all appreciate if you could just only talk about aranyak only and uh, we will probably take that part That's of the yeah, that is the build up that is the build up in the sense on dhari. that note he was just complimenting Achai. yeah on that <laughs> note <laughs> <laughs> yeah. public subjanti. सर वो क्या ना उन्होंने खर्चा कर रखा है इसमें कान में तो वो क्या करते रहते हैं बोल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा जो पहला फिल्म में डेब्यू था पत्थर के फूल दैट वाज 1991 दैट वाज विद सपी फिल्म्स अब मेरा ओ डेब्यू जो है लाइफ कम्स अ फुल सर्कल 2021 इज़ अगेन विद सिपी फिल्म्स So, this is again for me in my life another landmark, which uh, 1991 Patthar ke Phool gave me 30 years of me still being in front of y'all and y'all tolerating me. So I'm hoping that 2021 again will be maybe another 30 years of y'all still tolerating me. And the, 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 <laughs> the joke is this: in those 30 years, we both I've aged the 60 years and she looks the same as 1991. <laughs> <you all. laughs> <laughs> किसी ने मुझे कहा था कि आप रात को क्या फ्रिज में सोती हैं <laughs>